गुजरांवाला में जलसे का मामला, मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर मलिक रियाज समेत लीगी कारकुनों के खिलाफ शाहदरा थाना में मुकदमा दर्ज। 16 अक्टूबर के जलसे में कोरोना एसओपी पर अमल दरामद नहीं हुआ, मुकदमे का मतन। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा सजा का केस, एहतसाब अदालत ने नायब के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। सदर नून लीग जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल मुंतकिल, 27 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। जब सच्चाई नहीं होती इन केसेस में, तो आज जब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो तमाम केसेस जिसमें वो 126 दिन हिरासत में रहकर आए हैं, वो रेफरेंस नैब जाहिर कर रहा है साफ पानी का, उसको बंद करने का। तो जो ढोल बजा रहे थे कि सियासी मुखालफीन मेरे करप्ट हैं, आज उनका एहतसाब का ढोल बज रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक दिल्ली की करप्शन साबित नहीं हो सकी, हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुक्मरान हर सियासी मुखालिफ को करप्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत, हमजा शहबाज ने अपनी हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने बार काउंसिल की हड़ताल के बाद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब तमाशा चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू, कहा पूरी कौम होशुबार महंगाई से परेशान है। एहतसाब तमाशा चल रहा है और ये तमाशा पूरी दुनिया देख रही है, इंतकाम की आग में। एहतसाब तमाशा चल रहा है और ये तमाशा पूरी दुनिया देख रही है, इंतकाम की आग में। मरियम नवाज की पेशी पर नायब ऑफिस के बाहर हंगामा, राय का मामला, मुलजमान के वकला के दलाल मुकम्मल। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने राना सनाउल्ला और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत में 23 अक्टूबर तक तौसी कर दी। करप्ट अनासर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजार ने बता दिया। कहते हैं इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम के दोस्त नहीं दुश्मन हैं। बिलावल जरदारी पंजाब पर तनकीद से पहले सिंध की तरफ देख लिया करें, सुबह वजीर इत्तलात फयाज हुसैन चौहान की लफ्जी वार, कहा वजीर आला सिंध ने तस्लीम किया कि उनका कोई आईएसडी पर कंट्रोल नहीं। वजीर आजम इमरान खान की अहम दौरे पर आज लाहौर आमद मुतवक्के, गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर आला उस्मान बुज़दार मुलाकातें करेंगे, पंजाब की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ताजरों के जख्म एक बार फिर तरताजा, हफीज सेंटर गुलबर्ग के फोर्थ फ्लोर पर दोबारा आग भड़क उठी, रेस्क्यू कामला आग बुझाने में मसरूफ। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए, शहर में आटा चीनी दालें सब कुछ महंगा, शहरियों को 860 रुपए वाला थैले ना मिल सका, चक्की का महंगा आटा खाने पर मजबूर हो गए। महंगाई का जिन बेकाबू, अशिया खोरनोश के सरकारी निरखों पर अमल दरामद के लिए शहर में 31 सहूलत बाजार कायम, दुकानों पर रेट लिस्ट ना लगाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक, जमात इस्लामी ने जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया, अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक 23 अक्टूबर को मंडी बहाउद्दीन, 25 अक्टूबर को लाहौर में खिताब करेंगे। शेखुपुरा के करीब मोटरवे पर हादसा, मोटरवे इंटरचेंज के करीब कार टायर ब्रस्ट होने के बाद उलट गई, हादसे में 3 अफराद जान बहकर और 4 जख्मी हुए, जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। प्रेस क्लब में ट्रेनिंग स्कॉलरशिप की तकरीब जल्द, साउथ एशिया जर्नलिज्म प्रोग्राम मुतारिफ कराएंगे, डायरेक्टर बरतानवी हाई कमीशन कम्युनिकेशन फोजिया यूनिस का तकरीब से खिताब।
माह बारह रबी अव्वल की आमद, गली और बाजारों में रौनकें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस बरामद, फजाए सरकार की आमद मरहबा, मंथार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी। पीआईए का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खसूसी पैकेज, हज्जाज से मुकद्दस के सफर पर रवाना होने वालों के लिए 12% रियायत, 12 किलो इजाफी सामान ले जाने की सहूलत भी मुयसर आएगी। पीआईए का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खसूसी पैकेज, हज्जाज से मुकद्दस के सफर पर रवाना होने वालों के लिए 12% रियायत, 12 किलो इजाफी सामान ले जाने की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। रहीम स्टोर के जरिए तमाम रबी अव्वल में उमरा टिकट्स की कुरंदाजी, दूसरे रोज भी 4 खुश नसीबों में टिकट तकसीम, 2 रोज में टिकट हासिल करने वालों की तादाद 8 हो गई। और कौमी खातीन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच पाकिस्तान पहुंच गए, डेविड हेम का कोविड-19 का टेस्ट, डेविड हेम कोरोना टेस्ट मनफी आने पर अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। बच के 12 में खुश आमदीद, शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ, मैं हूँ सुहाग से और मैं हूँ सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करते हैं बकायदा आगाज और आपको बताएं कि 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से नून लीगी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर मलिक रियाज और दीगर पर शाहदरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जलसे के 22 कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद है, डिटेल हम उनसे लेंगे। जी इब्राहिम लकी, बताएगा SOPs की खिलाफ वर्जी पर कौन सी दफात शामिल की गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मरियम नवाज और उनकी कैप्टन सफदर रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद रियाज समेत मुख्तलिफ घूम के रहनुमाओं और अरकान असम्बली पर जो है थाना शाहदरा में मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा 8 मुख्तलिफ दफात के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। ये मुकदमा 16 अक्टूबर को लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए शाहदरा में जो है रैली का खिताब के हवाले से जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें थाना शाहदरा ने मुकदमा दर्ज किया है। जिसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि मरियम सफदर जो है वो रैली की क्यादत करते हुए शाहदरा पहुंचे, जहां पर मलिक मोहम्मद रियाज असम्बली समेत दीगर मुख्तलिफ असम्बली घूम के रहनुमाओं ने वहां पर जो है खिताब का इंतजाम किया था। इस खिताब इस रैली से जो है खिताब करते हुए मरियम सफदर ने जो खिताब किया उससे जो है अवाम में इश्तियाल पैदा हुआ, इस पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मुकदमा में अली प्रवेज मलिक गजाली सलीम बट समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का भी जो है ना मुकदमा में शामिल किया गया है। इस मुकदमा में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर प्रवेज मलिक के साहबजादे और रुकन कौमी असम्बली अली प्रवेज मलिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। समीउल्लाह खान जो कज़मा जाहिद बुखारी के शोहरत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सैनेटर प्रवेज रशीद, राना मोहम्मद इकबाल, राना मोहम्मद आशद समेत जो है ना मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा ये दर्ज किया गया है। इस मुकदमा की दफात में जो है ताजरात पाकिस्तान के तहत 290, 291, 259, 270, 1960 और जो है ना दफा 6 जो है के तहत ये दर्ज किया गया है। इस मुकदमा के हवाले से हमारी अभी बात हुई है बड़े मरूफ देर थे, उन्होंने भी इस मुकदमा पर शदीद जो है ना तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है ना मुस्लिम लीग जुनून और PPTM के जरसों से जो है ना बुखार का शिकार हो चुके हैं, जिसका ये वादा सबूत है कि मुकदमात पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये मुकदमा ठीक है इब्राहिम लकी बताएगा, चूंकि हुकूमत से जो इजाजत तलब की गई थी उसके मुताबिक मरियम नवाज खिताब नहीं करेंगे और किसी कैंप में नहीं रुकेंगे, लेकिन चूंकि शाहदरा पर कैंप भी लगाया गया वहां रुकी, उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन जो लोग मुकदमे में दर्ज किए गए हैं उनमें मरियम नवाज है, कैप्टन राइट सफदर है, मलिक रियाज है और दीगर जो लोग शामिल किए गए हैं शाहदरा थाने में जिनमें मुकदमा दर्ज हुआ है, टोटल कितने लोग हैं जो के नामजद किए गए हैं? जी ये 15 से ज्यादा जो है ना मुख्तलिफ जून के मुख्तलिफ अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली जो है ना और सेनेटर जो है ना इसमें शामिल हैं, जबकि दीगर जो है 2000 से 2200 कारकुनों को जो है नामालूम अफराद की फहरिस्त में रखा गया है। ये मैं आपको दोबारा बताना चलूँ कि नामालूम अफराद की फहरिस्त में 2000 से 2200 कारकुनान को जो है ना वो शामिल किया गया है, जबकि 15 के करीब मुख्तलिफ रहनुमा हैं जो इस मुकदमे में बाकायदा तौर पर नामजद हैं। जी
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी आपका, अपने सवाल से तफसील आगाह किया। आपको बताएं कि ये जलसे के हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से नून लीग रहनुमाओं पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मलिक रियाज और दीगर पर शाहदरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।